कक्षा छः से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। वैद्युत विभव, प्यारे बच्चों, वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल आज से हम सभी लोग पढ़ने चल रहे हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी लोग ध्यान दें वैद्युत विभव पर जोर दें। तो जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं, वैद्युत विभव ये जो चीज है, वैद्युत विभव, इसके संबंधित सारे सूत्र आपके सम्मुख हम संजना के पूछ कर निकले जा रहे हैं और इन्हीं सूत्रों पर सवालें लगेंगे। यकीन मानिए, इस अभ्यास की सवाल जितनी सरल है उतनी सरल देखो जी किसी अभ्यास में नहीं मिलेगी। तो अब आप ईश्वर का नाम ले लीजिए, सवाल हम लगवाने चल रहे हैं। देखिए जरा पहले सूत्रों का परिचय हो जाए। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सूत्र जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, डिराइव किया हुआ है, विभव का था, V बराबर W अपान क्यों, विभव V बराबर W अपान क्यों किया गया, कार्य अपान आवेश। और उसके उपरांत दूसरा सूत्र विभवांतर का था, वह भी यही था, विभवांतर दो आवेशों के बीच या दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य अपान वह आवेश। आप सभी लोग सुनते जाए समझते जाए साथियों, इन्हीं पर सवालें लग रही है। दो आवेशों के बीच या दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य, याद करो सूत्र आया था क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी या क्यू इंटू डी वी या क्यू इंटू वी, यही सूत्र इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण की ऊर्जा का भी था। सूत्र दिख रहा है, इसी तरह से हम लोग लड़ाई लड़े थे, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य और ऊर्जा, यही सूत्र से दी जाती है। और वेग अगर आवेशित कण का निकालना हो तो अंडर रूट टू क्यू बी अपान ए, यह सूत्र आया था। अल्तिया बानो, इसके बाद आपने जो है विभव के और भी सूत्रों का प्रयोग किया था। मुस्कान जी, स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव यथोर पाई अक्साई लगना क्यू अपान आर, ये पढ़ा था। और विभव परवर्ती विभव प्रवणता का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, माइनस डी बी बटे डी आर, या इसी को लिख सकते हो डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डी बी बटे डी आर या डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स। जैसा कि विकास के सरोज जी, आप जो है बड़े चिंताग्रस्त हैं, आपको पता है कि विभव प्रवणता का एक बड़ा प्यारा सूत्र है जो इम्पोर्टेंट था, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, ये बड़े सूत्र है, इस पर ज्यादा सवालें लगेंगी। पालू शर्मा, इसके बाद हमने आपको सूत्रों से परिचित कराया था तो वैद्युत दुधुर वाली बात थी। तो वैद्युत दुधुर याद करिए, सबसे पहले अच्छी स्थिति में विभव, पहले विभव निकाले थे अच्छी स्थिति में, V बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर,
निरक्षेष्ट प्रेम विभाव। सुष्मी बी बराबर जीरो, याद आया। और वैद्युत दुदुल को घुमाने हेतु किया गया क्या है, डब्ल्यू बराबर पीई वन माइनस कॉस थीटा। सूत्र याद रहेगा तो अंकित के प्रजापति सूत्र में धाक से धर दोगे मान खटाक से अंतर आ जाएगा, बहुत सरल अभ्यास है। और उसके बाद दुधुर्व की वैद्युत स्थिति ऊर्जा अभी अभी कल ही डिराइव हुआ था माइनस पीई कॉस थीटा। एकलौता सूत्र बच रहा है आवेशीय निकाय की स्थिति ऊर्जा U बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। साथियों एक बार सूत्रों का अंजन भाई के लिए फिर से हो जाता है। तो अंजन जी वैद्युत विभव नामक लेसन है जिसके सूत्र आप पढ़ेंगे तभी सवाल आएगी। मां मलिक्ष जी विभव V बराबर W बटा Q कार्य बटे आवेश, ये सूत्र होता है शिवांशु चाचा। विभवांतर अगर जानना हो तो उसका भी सूत्र शिवांशु बेटा यही होता है VA माइनस VB बराबर W बटा क्यू नॉट। और आप सभी को बताना चाहूंगा रोहित डान दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य W बराबर क्यू VA माइनस VB या क्यू इंटू DB या क्यू इंटू V, यही ऊर्जा का भी सूत्र होता है नीरज जी। जैसा कि आप जान रहे हो कि अगर आवेशित कण को दो बिंदुओं के बीच ले जाया जाता है तो उसका वेग अंतर 2qv/r। जैसा कि दिन जान रहे हो कि अगर जो है स्थिर बिंदु आवेश के कारण विभव 1/4πε0qr, विभव परवर्ती जानना हो तो -dv/dr या Δv/Δr। वादुखेत की तीव्रता विभव प्रवर्ती के बराबर होती है, ये E बराबर माइनस डीबी बटे दिया। वैद्युत दुधुर्व के कारण अच्छे स्थिति में विभव 1/4πε0V/r2, निरक्षय स्थिति में विभव शून्य। और साथियों वैद्युत दुधुर्व को घुमाने हेतु किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर PE1-cos θ। लास्ट सूत्र था अभ्यास का वैद्युत दुधुर्व की स्थिति जुड़ जाती माइनस पीई का स्थिर और दो आवेश निकाय के लिए स्थित ऊर्जा का व्यंजक जैसा कि देख रहे हैं 1/4πε0Q1Q2/r। प्यारे प्यारे बच्चों इन्हीं सूत्रों पर हम लड़ाई लड़ेंगे, सवाले आएंगे। नंबर एक पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁻⁵ कूलाम के आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा। सभी साथी ध्यान दें, जो जो दिया है लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 60 वोल्ट तथा 3×10⁻⁵ कूलाम के आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा। आप सभी जानते हो आवेश को ले जाने हेतु कार्य क्यू इंटू वी, आवेश गुणे विभवांतर। चाचा विकास क्यू की जगह 3×10⁻⁵, वी की जगह 60 × 180 × 10⁻⁵। अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा, अगर यहाँ दशमलव लगा दे दो अंक तो ये दो भाग कम हो जाएगी जूल। ये आंसर आ गया इसके साथ सवाल नंबर 2। सभी बच्चे ध्यान देते रहे बराबर मेरा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा। देखो कोई गोला है, कितने त्रिज्या का है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1×10⁻²⁰ मीटर। इसे 1 कूलाम का आवेश देने पर कितना विभव बताना है। आप जानते हो ऐसे देखो जरा, ये गोला होता है और ये गोले का केंद्र है और ये गोले की त्रिज्या, यहाँ जो है आवेश फैल गया है। तो अब आप किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का फार्मूला पढ़े हैं 9×10⁻⁹ q/r, याद आया 9×10⁻⁹ q की जगह 1
आर की जगह एक गुणे दस घात माइनस दो, ये ऊपर गया, नौ गुणे दस की घात ग्यारह वोल्ट, ये आंसर आ गया। किसी कोई दिक्कत? नहीं नहीं, जहाँ दिक्कत हो पूछ लीजिए, जहाँ असुविधा परेशानी हैरानी टेंशन समस्या दिक्कत कछु हो। सवाल नंबर तीन, 3.4×10⁻⁷ कूलाम के आवेश को, तो आवेश जब दिया रहे तो उसे जो है रोला किससे लिखते हैं, 3.4×10⁻⁷ कूलाम क्यों से लिखते हैं मलिच्छिन्न। फिर आगे देखो जरा, को किसी बिंदु तक लाने में 1.7×10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ता है, कार्य W 1.7×10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ता है, आवेश दिया है कार्य दिया है। आगे देखो, इस बिंदु पर उत्पन्न विभव बताओ, विभव बताना है, आप लोग जानते हो विभव बराबर कार्य बटे आवेश, 1.7×10⁻⁵, 3.4×10⁻⁷, 17.8 गया, 17/34, 7+5 गए, 2 0 बढ़ा दे, हाँ। अब देखो जरा सुष्मी, 34×5=170, 50 वोल्ट, कोई दिक्कत? सवाल नंबर 4 आ गए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यदि दो बिंदु ए व बी, यदि दो बिंदु अनंतपाल के वैद्युत विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, तो 8 मायूसी के बिंदु आवेश को ऐसे भी तक ले जाने में कार्य बताओ। तो यहाँ देखो जरा नवीन पटेल, दो बिंदु के विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, नवीन के पटेल दो बिंदु के विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, 8 मौसी के आवेश को, कितने मौसी के आवेश को, 8 मौसी के आवेश को ए से बी तक ले जाने के लिए कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर वी बी माइनस वी ए आवेश क्यू, इज दैट क्लियर। अब विभवांतर 4 माइनस 2×8×10⁻⁶ गए, 2×10⁻⁵ जूल, कार्य पूछ रहा जूल में आ गया, रोला डोला कोई दिक्कत। सवाल नंबर 5, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के लिए 0.01 कूलाम आवेश को, कितने आवेश कह रहा बेटा, 0.01 कूलाम के आवेश को, आवेश को क्यों से लिखा जाता है, जो है सिवंशो, ए से बी तक ले जाने के लिए 12 जूल का कार्य करना होता है, कह रहा विभवांतर बताओ, क्या बताओ बेटा, विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, कार्य क्या है 12, आवेश क्या है 0.01, 0 हटाओ 2 0 बढ़ गया, 1200 वोल्ट आंसर आ गया, छठा तो +40 मौसी के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर धरे हैं, तो कुसमी क्या आवेश है, दो Q1 Q2 कितना है, 40 मौसी 40×10⁻⁶ कूलाम, दो आवेश है परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, आवाज नहीं गंदी बात, इनके मध्य कितना विभवांतर होगा, यही पूछ रहा है, इनके मध्य बिंदु पर विभवांतर कहा, एक आवेश ए पर है, अरे मेरी भाई, एक आवेश बी पर है, पूरी दूरी कितना है आर, आर कितना है 0.4, मध्य बिंदु ओ पर, यहाँ देखो Q1 है या Q2 है, यहाँ पर विभव बताना है, तो ये दूरी संगना यहाँ तक कितनी हो गई, आर बटा दो, ये दूरी कितना हो गई, आर बटा दो, कैसे मालूम, सवाल देखो, सवाल, एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ, ध्यान देना उन्हें, एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश सूत्र में बांध धर रहे, खटाखट आंसर, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ, दोनों आवेश कितने दूरी पर है, आर, आर का मान कितना, 2000
बिंदु पर विभव बताओ, मारे आर बटा दो दूरी पर। इस आवेश के कारण भी विभव बनेगा, इस आवेश के कारण भी विभव बनेगा। मध्य बिंदु पर विभव वी, पहले वाले आवेश के कारण विभव वी ए, दूसरे वाले आवेश के कारण विभव वी ए, दोनों आवेशों के कारण विभव जो भी आए उन्हें जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा बच्चों। पहले आवेश के कारण विभव 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों बराबर है, चाहे जो लिखो Q/R/2 9 × 10⁻⁹ Q/R/2 दूरी R/2 है, दोनों दूर दायरा है, 2 × 9 × 10⁻⁹ Q/R/2 कोनो दिक्कत, नीचे था ऊपर हो गया, इसलिए बी बराबर दो दूनी 4 × 9 × 10⁻⁹ Q/R 36 × 10⁻⁹ × 2 = 40 आर है 0.4 आवाज नहीं 0.4 400 चार बामा 40 9 में 6 गए 3 और 2 0 ही ये हो गया 3.4 × 10⁻⁶ वोल्ट। देखा 0.4 दिन 2 0 हो गया, 4 4 कट गए, 2 0 माने 2 घात हो गए, 2 0 माने 2 घात। आगे सवाल देखो, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम के आवेश रखे हैं, इनके केंद्र पर वैद्युत विभव बताओ। बड़ा ही बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो पहले से लगा लो। प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा है। इस पर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, दोला समझो जरा, ये क्या है पहचानो, वर्ग 2√2 मीटर भुजा का, सभी भुजाएं कितना है, सभी के कोने पर बराबर परिमाण का आवेश रखा है, मान लेते क्यों, कितना रखा है 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश, यही आवेश सारे कोनों पर रखा है। सवाल कह रहा है इंपॉर्टेंट है इसलिए समझो ज्यादा, सभी वर्ग के कोनों पर आवेश रखा है, क्लियर। इसके जो है केंद्र पर, देखो आपको पीछे वाले चैप्टरों पढ़ाए हैं, वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्र होता है, ये केंद्र ओ है, अगर ये आर है तो यह भी आर, यह भी आर, यह भी आर, केंद्र से सारे शीर्षों की दूरी समान होती है, ठीक है। तो देखो आर बराबर, जैसे अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी, ये डी, आर बराबर ओ ए या ओ बी या ओ सी या ओ डी, और ये विकर्ण बटा क्या होगा, दो। कहानी क्या होती है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को संपूर्ण पर समविभाजित करते हैं, माने यहाँ पर आधा आधा हो जाते हैं, तो विकर्ण का आधा कर दोगे तो आर आ जाएगा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा अंडर रूट 2, और नीचे 2 है, भुजा है 2√2, फिर √2/2, 2 से 2 कट गया, √2 √2 माने आर कितना आ गया 2 मीटर। अब इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण विभव निकाल के जोड़ दे तो टोटल विभव आ जाएगा, इसलिए ओ पर कुल विभव, सवाल समझ गए सुषमा, वर्ग है इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, माने ए पर के आवेश के कारण बी ए, बी पर आवेश कारण बी बी, सी पर आवेश कारण विभव बी सी, डी पर आवेश कारण बी डी। अमिति वी ए का मतलब 9 × 10⁻⁹ Q/R आवेश को दूरी आर, ऐसे इस आधे आवेश के कारण 9 × 10⁻⁹ आवेश को दूरी आर,
ओके कह दो हाँ न उड़े गद्धा न कुआ पाना सिपर के आवेश के कारण निशा बीपर आवेश के कारण न उड़े गद्धा न कुआ पाना कई बार आए सर चार में न उड़े दस गाठ न कुआ पाना बुलाता है मुझ चार नौ छत्तीस गुणे दस गाठ नौ क्यों कितना है दो गुणे दस गाठ माइनस छ आर कितना है दो से दो नौ दस छह गए तीन दशमलव छह गुणे दस घाट चार गोल एक घाट बढ़ा दी हाँ खुश भी अठवा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेमी लंबी है किसी बहन है इसके कोनों पर क्रमशः माइनस दो तीन तथा माइनस चार व पांच माइक्रो कूलम के आवेश रखे हैं वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव बताओ यही सवाल है एकदम सेम यही सवाल देख रहे हो ना तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है और प्रत्येक कोने पर रखे आवेश दिए हुए हैं केंद्र पर जो है आपको बताना है क्या चीज विभव तो ध्यान से देखिए जरा इसी तरह से सवाल नंबर आठ है दोनों अलग बैलूज में है बस यहां देखिए जरा अब की बार भुजाएं कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर और आवेश अलग अलग यहां ए पर आवेश Q1, B पर आवेश Q2, C पर आवेश देखो भी तीव्रता होती तो वेक्टर भी जिस जोड़ते तब थोड़ा कठिन हो जाती लेकिन ये विभव है डायरेक्ट जुड़ रहा है इसलिए यह कठिन नहीं हो रहा हुआ कितने कहाँ पर जो है विभव बताना है केंद्र पर केंद्र ओ पर विभव बताओ माइनस दो तीन माइनस दो मौसी तीन मौसी और माइनस चार तथा पांच मौसी माइनस चार और ये पांच मौसी देखो बेटा प्रश्न कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबाई के जो है भुजा वाला एक वर्ग है जिसके सभी कोने पर अलग अलग परिमाण के आवेश माइनस दो तीन माइनस चार और पांच म्यूसी के आवेश रखे हैं केंद्र पर जो है विभव बताना है तो इस आवेश के कारण विभव 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 चारों कोनों पर रखे चारों आवेशों के कारण विभव को जोड़ दे तो परिणामी विभव आ जाएगा तो यहाँ सभी आवेशों का विभव निकाल कर क्या कर दे जोड़ दे ठीक है तो देखो ओ पर पहली चीज तो भुजा निकाल दे आर बराबर ओ ए ओ बी ओ सी सब बराबर है और कितनी आदि है विकर्ण की आदि तीव्रता वाले चैप्टर पे भी ऐसी लगती थी विकर्ण भुजा रूट दो बटा दो भुजा है 60 सेमी तीस रूट दो गुणे दस घात माइनस दो मीटर इसलिए ओ पर क्या निकाले वी बराबर ए पर के आवेश कारण विभव बी पर के आवेश कारण विभव सी पर के आवेश के कारण विभव और जोड़ दिया जाए ए पर के आवेश कारण विभव नौ गुणे दस घात नौ आवेश के कारण विभव नौ घाट नौ क्यों छुरी बने यार नौ यार की कामन है नौ उड़े दस घाट नौ अपान आर कामन है नौ गुणे दस घात नौ गुणे एक बटा आर कामन है Q
Q1, Q2, Q3, Q4. देखो नाव रेगुलर ग्राफ नाव रेगुलर आ कितना है क्यों क्यों तो कुछ भी छोड़ माइनस दो बड़े नगात माइनस चार प्लस तीन बड़े नगात माइनस चार माइनस चार बड़े नगात माइनस चार प्लस पांच बड़े नगात माइनस चार क्या खाओगे आप लोग वी बराबर देखो इधर नौ बटा तीस रूट दो नौ दो घात ऊपर गई दस की घात ग्यारह यहां देखो धन धन जोड़ दो पांच तीन चार दो आप अच्छा गए धन वाला जोड़ ग्रेड वाला घटाए नौ दो नहीं बटे सत्र अठारह छप्पन छ दिक्कत मैं बोल का दिक्कत होता हूं ऊपर नीचे रोड तो पूरा कह दी पर मैं ही करा तीन रोड रोड दो रोड दो दो पांच छ दस की घात कम हो गए